छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधार कार्ड बनाने सहित आधार ऑपरेटर व सुपरवाइजर अपनी मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना हुए, जहां केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निलंबित करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पूरे देश भर में आधार कार्ड निर्माण करने वाले आधार कार्ड कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर इन दिनों अपने निलंबन को लेकर परेशान हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाने के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करके DOE1 एवं DOE2 एरर जोड़ दिया गया है, जिसके चलते आधार कार्ड निर्माण में होने वाली एक छोटी सी चूक आधार ऑपरेटर को भारी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया जा रहा है और भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है, जिसमें जुर्माने की राशि 25 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की गई है। तो वही निलंबन भी 3 माह से लेकर 5 साल तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपनी मांग और केंद्र सरकार के द्वारा जबरन थोपी गए बदलाव के खिलाफ शनिवार को दुर्ग जिले से सहित पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर संघ के कर्मचारी छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के बैनर तले दुर्ग रेलवे स्टेशन से दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए, साथ ही अपनी मांग के लिए जंतर मंतर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बातें कही है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर से लगभग 50,000 से अधिक आधार ऑपरेटर इस प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। इस संबंध में ऑपरेटर्स ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। समाज में के जो भी ऑपरेटर को बहाल किया गया है, जो भी सस्पेंड है, उनको वापस दिया जाए और ये जो हाउस मॉडल जो चल रहा है उसको बंद करके हमें को वो काम दिया जाए, क्योंकि हम लोग इनको 5 साल से ऑपरेटर में है। हमारी पे लात मारेंगे तो हम ही नहीं बता सकते। अभी आप लोग ये है कि मकसद कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। अपने ऑल जिले के ऑपरेटर आधार ऑपरेटर हैं और हम लोग UID के गाइडलाइन का जो नया नियम आया है उनके तहत हम लोग पेट पे लात मारने का कार्य हो रहा है। DOE1 के तहत में एक भी डॉक्यूमेंट क्लियर आने के पर हमें सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो एक साल से लेके 5 साल तक का हो रहा है। बस हमारे जो कमीशन का है जो फाइन के तौर पर पैसे गबन कर दिया जाता है, जो हमारे किसी भी ऑपरेटर को दिया नहीं। 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे जा रहे हैं। आधार कार्ड जो हम मनाने वाले के साथ जो दूरी हो रहा है उसको लेकर अपनी 14 सूत्र मांग को रखें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।